Hello friend, welcome to my YouTube channel Goal Made Easy. दोस्तों इस वीडियो में हम टर्बाइन क्लासिफिकेशन और उसको याद रखने की ट्रिक को स्टडी करेंगे. दोस्तों अगर हम इम्पोर्टेंट टर्बाइन के टाइप की बात करें तो पहला टाइप्स है प्रोपलर, सेकेंड कापलान, थर्ड फ्रांसिस, फोर्थ पेल्टॉन. दोस्तों ये जो टर्बाइन है इनको थ्री कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम आगे ट्रिक के माध्यम से बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं, जिसको हम एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल करके और अपने आंसर को करेक्ट टिक कर सकें. फ्रेंड्स अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो जो फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन वाटर प्रेशर. दोस्तों जो हमने इसका ट्रिक बनाया है पीके वेंट फ्रांस टू पेरिस. दोस्तों आपको इसको याद रखना है. दोस्तों आपने इसमें ब्लैक कलर से जो आप देख रहे हैं ये हमने केवल सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिया हुआ है, इसको इसका कोई एज यूजुअल कोई मीनिंग नहीं है. दोस्तों आप इस ट्रिक में देख रहे हैं पी प्रॉपलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, के कापलान को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फ्रांसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ई पेल्टॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. दोस्तों जो पी के एफ टर्बाइन है वो रिएक्शन टाइप है और पी ई इम्पल्स टर्बाइन है. पी के एफ रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन टर्बाइन को और पेल्टॉन रिप्रेजेंट कर रहा है इम्पल्स टर्बाइन को. दोस्तों आप इस ट्रिक को एक या दो बार पेन कॉपी पे लिख के इजीली याद कर सकते हैं. दोस्तों जो नेक्स्ट टर्बाइन का हमने क्लासिफिकेशन बताया था बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे अमित. जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हेड ऑफ वाटर डिस्चार्ज, इसको हम याद करेंगे लो माही के ट्रिक से. दोस्तों ये जो दोनों ट्रिक है हम अगली स्लाइड में इजीली स्टडी करेंगे. दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिए. दोस्तों यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को हमने थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है. फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सेकेंड हेड ऑफ वाटर, थर्ड है स्पेसिफिक स्पीड और हमने ये प्रीवियस ही ट्रिक लिया हुआ है पी के वेंट फ्रांस टू पेरिस. जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इसको हम अमित के ट्रिक से याद रखेंगे. ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्जियल, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्स्ड, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल. दोस्तों जो प्रॉपलर और कपलर टर्बाइन होता है ये एक्जियल टाइप होता है, फ्रांसिस टर्बाइन होता है या मिक्स्ड टाइप होता है, पेल्टॉन टर्बाइन होता है या टेंजेंशियल टाइप होता है. दोस्तों मिक्स का मतलब होता है रेडियल प्लस एक्जियल, ये फ्रांसिस टर्बाइन के टाइप हैं. दोस्तों कई बार एग्जाम में रेडियल प्लस एक्जियल ना देके केवल रेडियल दिया रहता है, तो दोस्तों आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, उस टाइम पे आपको रेडियल को करेक्ट मार्क करके आना है. दोस्तों हेड ऑफ वाटर की बात करें तो इसको हमने ट्रिक बनाया था लो माही, जिसमें लो रिप्रेजेंट कर रहा है लो को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम को, ही रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को. तो अगर वाटर हेड की बात करें तो जो फर्स्ट है लो अप टू 50 मीटर के लिए यूज होता है, मीडियम अप टू 150 मीटर के लिए यूज होता है और थर्ड यूज होता है अप टू 300 मीटर्स के लिए. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लो की कैटेगरी में प्रॉपलर और कपलान टर्बाइन आते हैं, मीडियम के कैटेगरी में फ्रांसिस टर्बाइन आता है और हाई की कैटेगरी में पेल्टॉन टर्बाइन आता है. दोस्तों अगर हम स्पेसिफिक स्पीड की बात करें जो प्रॉपलर और कपलान टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड होती है 200 to 120 होती है, फ्रांसिस की जो स्पीड होती है 120 to 20 होती है, पेल्टॉन टर्बाइन की जो स्पीड होती है 20 to 10 होती है. दोस्तों जो ये स्पीड है आरपीएम में गिवन है. दोस्तों आप लोग यहाँ पे मिक्स का मतलब देख सकते हैं, मिक्स इक्वल टू रेडियल प्लस एक्जियल. दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन ए कपलान टर्बाइन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो. दोस्तों हमने वहाँ पे देखा था जो कपलान टर्बाइन का वाटर डायरेक्शन होता है एक्जियल होता है, तो इसका आंसर एक्जियल एंड देन एक्जियल होगा.
ये आंसर सही है। सेकेंड है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अवेलेबल हेड ऑफ कपलान टर्बाइन। तो दोस्तों हमने ट्रिक में माही पढ़ा था, लो माही पढ़ा था, तो इसमें लो रिप्रेजेंट कर रहा था कपलान टर्बाइन को, जिसकी हाइट होती है अप टू 50 मीटर। थर्ड क्वेश्चन है, इन मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन द वाटर इंटर इनटू ब्लेड एंड कम आउट। तो जो मिक्स टाइप में वाटर इंटर करता है रेडियल होता है और आउट होता है एक्जियल होता है। अगर इंपल्स टर्बाइन की बात करें तो ये हाई हेड के लिए यूज होता है और लो डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, जैसे कि आप लोग ऊपर टेबल में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर हार्सनिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ हाई परसेंटेज ऑफ रिएक्शन एंड रनर एडजस्टेबल वेन इज। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों कपलान टर्बाइन होगा। कपलान टर्बाइन आप लोगों को मालूम होगा लो वेरिएबल वाटर हेड के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गोल मेड इजी। इसके साथ ही बेल आइकन को आप लोग अवश्य दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट पे ट्रिक मिलती रहे। थैंक यू।